कौन है? ए म्योर, तैयार हो जाओ फॉर दिस न्यू खोज। हमारा न्यू डिस्कवरी, हमारा न्यू सुप्रीमियम मिनरल इस दुनिया को हिला देगा। क्या बोला? हिला देगा। अब ये माइनर लोग अंदर जाएगा और सुप्रीमियम को बाहर खींच के लाएगा। फैसिनेटिंग डॉक्टर आविष्कार सेन, मगर ये सुप्रीमियम क्या है डॉक्टर सेन? दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मिनरल है। लोहा जानता है? लोहा, आयरन, उससे भी हार्ड, डायमंड से भी हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। फिर तो ये बहुत ही बड़ा आविष्कार है। आविष्कार नहीं, चमत्कार, चमत्कार। हम इसे सन सिटी में साइंस का एक नया रिवोल्यूशन करेंगे। टेंशन मत लो डॉक्टर सेन, हम ले आएंगे सुप्रीमियम। हाँ, लेकिन दिस इज नॉट इजी, समझे तुम? जरा भी मिस्टेक नहीं करेगा, बहुत रिस्क है। इसीलिए तुम्हारे आजू बाजू रहेंगे अगलू और बगलू, हमारे दो दो सिक्योरिटी गार्ड। तो हो जाओ शुरू। यस डॉक्टर आविष्कार सेन। ऑल द बेस्ट। ग्रेट, अमेजिंग, तुम निकाला सुप्रीमियम, तुम सुपर हो, सुपर से भी ऊपर हो। पूरी बाप, ये क्या हो रहा है? तो तुमने कर दिखाया डॉक्टर, तुमने सुप्रीमियम को बाहर लाया और अब ये हो गया मेरा। स्क्वीक स्क्वीक। तुम भला कौन हो? छोटा सा मैं इंसान, पर मेरे कारनामे बड़े महान। बैटमैन चूजा हूँ मैं, अब लेने आया तुम्हारा सामान। मैं पुलिस बुलाता हूँ, पुलिस, पुलिस। फिकर नॉट डॉक्टर, फिकर नॉट मेयर, हम फिर मिलेंगे। भूलना मत, मैं हूँ छोटा सा इंसान, पर मेरे कारनामे बड़े महान। अगलू बगलू, पकड़ो पकड़ो उसे, जाने मत दो। और ये तुम्हारा ग्रैंड प्राइज। भाग निकला चूजे का बच्चा। अरे ये तो गंडोगोल हो गया। कोई भी रेस में हराने
बट पीछे से टोनी आ रहा है, बहुत तेज बहुत तेज। वो रेस के बीच में कुछ खा भी नहीं सकता। अरे नहीं, ये तो मैं हो गई एक वर्ड में लूजर। अब रह गया सिर्फ किको, उसका भी कर दूंगा टाई टाई फिश। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है। सॉरी दोस्तों, मुझे जाना पड़ेगा, कोई मुसीबत में है। हम भी आते हैं। ओके, रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। हेलो ब्रो। हेलो सुपर स्पीडो, माइंस की तरफ से सिग्नल आ रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। ओके। आविष्कार सेन अंकल, क्या यहाँ कोई गड़बड़ हुई है? सब गंडगोल हो गया, सब काम पे पानी फिर गया। क्या हुआ डॉक्टर अंकल, बताइए ना हमें। एक चूहा टाइप का छोटा आदमी आया था, और उसके पास एक गाड़ी भी थी, एक चूहे की तरह रैट कार। रैटमैन चूजा। हाँ हाँ, ये था उसका नाम। वो आया और हमारा सुप्रीमियम लेकर गया। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर अंकल। सुपर स्पीडो, क्या तुम फॉर्मूला नंबर 2 से पता लगा सकते हो कि रैटमैन चूजा कौन है? अभी लो। मुनी बाबा, यही तो है वो। बड़ी, सुप्रीमियम की केमिकल एक्टिविटी से क्या तुम रैटमैन चूजा का लोकेशन पता कर सकते हो? ट्राई कर सकता हूँ। उई बाबा, ये तो पहाड़ के अंदर है। पहाड़ से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। डोंट वरी, हम सुप्रीमियम वापस ला कर ही रहेंगे। स्पीक स्पीक, ये तो बेस्ट हो गया। मजा आ गया। इंटरनेशनल डॉन खुश हो जाएंगे। सुप्रीमियम से बनाएंगे तलवार, गोली और टॉप, और फिर धमाका। दूसरी सुपर कार, इसको तो करना पड़ेगा बेकार। सुपर स्पीडो, रैटमैन चूजा से हम कितनी दूर हैं? टारगेट से डिस्टेंस है बहुत पास। ओह, हम तो रैटमैन चूजा के बिल्कुल पीछे हैं। ओ, उसकी कार तो वन वर्ड में अजूबा। ये तो बच्चे हैं, कच्चे पक्के बच्चे। ये लेंगे मुझसे सुप्रीमियम। रैटमैन चूजा, हम तुमसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज रुक जाओ। ओ बच्चों, घर चले जाओ, होमवर्क नहीं करना क्या? रैटमैन चूजा, तुमने जो किया है वो वेरी वेरी रॉन्ग है, तुम सुप्रीमियम नहीं ले जा सकते। ए, घर जाओ बच्चे, तुम मुझे नहीं रोक सकते। सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 राइट नाउ। यस ब्रो। कम ऑन सुपर स्पीडो। अब बहुत हो गया ये खेल। कीको को कराते हैं मेरे घर की सैर। रैटमैन चूजा कार, ले चलो रैटमैन चूजा को अपने दिल में। ये कहाँ जा रहा है? ट्विंकल डोडो, सीट बेल्ट बांध लो। सुपर स्पीडो, अपना ट्रैक मोड ऑन करो और रैटमैन चूजा का पीछा करो। ट्रैक मोड ऑन बड़ी।
गया मेरा घर। जब रैट बैग चूजा दिखाएगा अपना खेल, बड़े से बड़े हो जाते हैं फेल। रैट बैग चूजा कार, चलो फिर मिलेंगे बच्चे। कम ऑन बड़ी, रैट बैग चूजा हाथ से निकलने ना पाए। अब हम अंदर नहीं जा सकते, हमें डॉक्टर सेन के पास जाना होगा। सुपर स्पीडो, तुम्हें तुरंत रिपेयर की जरूरत है। मैंने कहा था ना, ये रैटमैन चूजा है छोटा सा इंसान, मगर इसके कारनामे बड़े महान। मगर सबसे बड़ा कारनामा तो अभी दिखाना बाकी है। बहुत खूब लग रहे हो रैटमैन चूजा बॉम्ब। रहो, अब और सुप्रीमियम लाना है, तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, और फिर होगा धमाका। मैंने कहा था ना, ये रैटमैन चूजा है छोटा सा इंसान, मगर ये मिटा देगा इस दुनिया की पहचान। ये रैटमैन चूजा तो बहुत शातिर निकला। उरी बाबा, तुम टेंशन मत लो, हम सब ठीक करेगा, हमारा विश्वास करो। हम ये करेगा, हम वो करेगा, लेकिन सबसे फास्ट काम क्या करेगा? हमने रैटमैन चूजा की लैब देख लिया है डॉक्टर आविष्कार सेन अंकल। सुपर स्पीडो उस लैब को ट्रैक कर रहा है, अब बस हमें उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि ड्रिल का आइडिया तो हो गया फेल। ओए, नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ कुछ फेल, हमें बॉस चेंज करना पड़ेगा खेल। वेट वेट, हमें फ्लैश आ रहा है हमारे दिमाग में। अब आया। हाँ, अब आया। क्या चमका है दिमाग में डॉक्टर सेन? उड़ी, अभी बात मत करो, बात का गया टाइम, पकड़ना है अब क्राइम, हम फिर से ड्रिल लगाएगा। लेकिन डॉक्टर सेन अंकल, बात तुम बोलो मत। हाँ, हम फिर से ड्रिल लगाएगा, बट इस टाइम हम उसे सुप्रीमियम से फोर्टिफाई करेगा। सुप्रीमियम, दुनिया का हार्डेस्ट मिनरल। बोलो, हुआ ना ये मास्टर स्ट्रोक? आपको लगता है ये काम करेगा? उड़ी, अगर ये काम नहीं करता तो रैटमैन चूजा भला इसके पीछे क्यों होता? हाँ, तुम बिलीव करो, हम अचीव करेगा। अब जाओ किको, जीत के आओ चैंपियन। सुपर स्पीडो, दिखा दो सबको अपना चमत्कार।
सुपर स्पीडो लगा दो अपना पूरा जोश, रैटमैन चूजा अंदर ही है। ये सुप्रीमियम तो गजब की चीज है, रैटमैन चूजा खुश हुआ। अब ये ग्रीन बटन दबाने से सुप्रीमियम और मिसाइल का होगा कॉम्बिनेशन, और ये रेड बटन दबाने से उड़ जाएगा मेरा प्यारा मिसाइल और होगा धमाका। अब ये क्या? गुड आफ्टरनून रैटमैन जूजा, फाइनली मैं तुम्हारे सामने हूँ। मुझे हेलो नहीं बोलोगे? रैटमैन जूजा की तो बत्ती उड़ गई है, एक वर्ड में कहूँ तो लूजर। कितना टेंशन है ये सब, यहाँ कुछ खा लेता हूँ। तुम बच्चे बाज नहीं आओगे, यहाँ आ गए हो पर जा नहीं पाओगे। रैटमैन चूजा, तुम जो कर रहे हो वो वेरी वेरी रॉन्ग है। अब राइट काम करो और सुप्रीमियम डॉक्टर सेन को वापस कर दो। धमकी देता है बच्चा, देखा नहीं ये बटन? आप देख लो ये। ओ नो, ये क्या कर दिया? ये तुमने क्या किया? तुम्हारे सुप्रीमियम को कर दो बाय बाय, नाउ माय मिसाइल इज गोइंग टू फ्लाई फ्लाई। बाहर आओ रैटमैन चूजा, तुम इस तरह बच नहीं पाओगे। पहले ढूंढ के तो दिखाओ बच्चे। सुपर स्पीडो, ये रैटमैन चूजा हमारे साथ में हाइड एंड सीक खेल रहा है। अपना ट्रैकर ऑन करो और ढूंढो वो कहाँ जाकर छिप गया है। डोंट वरी बड़ी, ये लेजर उसको ढूंढ निकालेगा। थैंक यू सुपर स्पीडो। रैटमैन चूजा, मैं आ रहा हूँ। पर हाँ, डरना मत, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। समझो ना, रैटमैन चूजा को छोटा सा इंसान, इसके कारनामे है बड़े महान। कहा था ना, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अब कैसे रुक पाओगे? अब होगा धमाका। Come on Super Speedo, let's go. चलो रैटमैन चूजा कर, हम भी चले, देखते हैं तमाशा।
ये मिसाइल सुप्रीमियम से स्ट्रॉन्ग बनी है, शूटिंग से कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करें? सुपर स्पीडो, हमें उस मिसाइल को रोकना होगा, वरना वो सनसिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 311। ओके, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 311। ये क्या हो रहा है? ओ नहीं! वो रहा रैटमैन चूजा, कम ऑन बडी, पकड़ लो उसकी कार। ये फंसा रैटमैन चूजा हमारी जाल में। ओ नहीं, ये क्या है? ये रहा रैटमैन चूजा मेयर अंकल, लेकिन अफसोस सुप्रीमियम तो वेस्ट हो गया है। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लगता है अब मुझे मेरी ओके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब ये बच के कहीं नहीं जा पाएगा। भाई वाह, यू आर हीरो की कोम। हा हा हा। थप्पड़ का मतलब चाटा है, टोनी बॉस को कुछ नहीं आता है। टोनी का मुक्का उड़ुड़ुका। टोनी को और भी बहुत कुछ आता है, जैसे बच्चों को तंग करना। टोनी बॉस, देखो इतना छोटा बच्चा कैसे घू रहा है। लगता है कि इसे टोनी का मुक्का देना ही पड़ेगा। एक छोटे बच्चे को बुली करना रॉन्ग है टोनी, बहुत ज्यादा रॉन्ग है बच्चे को बुली करना। बच्चा नहीं हूँ मैं। हाँ, इसकी आवाज तो बड़ों की तरह है। क्योंकि ये बच्चा नहीं बल्कि बड़ा ही है। मेरी मामी के मामा के चाची के चाचा के ताया के मौसा के फूफा का लड़का छोटू, जो बचपन से लेकर आज तक कभी लंबा ही नहीं हुआ। और लोग मुझे छोटू कहने लगे। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। हम सभी हैं वन वर्ड में सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब शायद मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। बन पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है। वो देखो, एक छोटी चिड़िया। ये है मेरी प्रॉब्लम का सलूशन, एक छोटी चिड़िया। ये चिड़िया नहीं बल्कि मेरे हाथ में जो मैग्नीफाइंग गन है वो, जिससे निकली रेज किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ी कर सकती है। ओरी मोरी मदर, ये तो बहुत खूब इन्वेंशन है, कुछ खा लेता हूँ। इन मैग्नीफाइंग रेज से तो छोटू भैया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वन वर्ड में
हुर्रे! मैं लंबा हो गया, मैं ठीक हो गया। अब मुझे कोई बच्चा नहीं समझेगा। वाव! थैंक यू अंकल। छोटू भैया बहुत खुश है। खुराना अंकल, ये मैग्नीफाइंग गन मुझे दे दीजिए, मैं खाने को मैग्नीफाई करूंगा और खूब खाऊंगा। ओह नो, ये क्या हो रहा है अंकल? लगता है मैग्नीफाइंग रेस का असर अब भी हो रहा है। ये नॉर्मल साइज से अब मॉन्स्टर साइज की बनती जा रही है। इसका मतलब छोटू भैया पर भी इसका असर अब भी हो रहा होगा। छोटू भैया तो बहुत बड़े मॉन्स्टर बन गए हैं। अब क्या होगा? बड़ा मजा आ रहा है इतना बड़ा होकर। अब मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। आज तक दुनिया मुझे छोटू कहती थी, पर अब तुम सब मेरे लिए छोटू हो। तुम और तुम भी। तुमने मुझे पैर मार कर गिराया था ना? सॉरी, गलती हो गई मुझसे। अब मैं तुम्हें फूंक मार कर गिराऊंगा। नहीं नहीं नहीं। छोटू मॉन्स्टर बड़े बड़ों को डराएगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। Thank you.
लाइट से है बत्ती, हाउ कैन आई हेल्प यू, बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। सुपर स्पीडो, हमें छोटू मॉन्स्टर को लोगों को डराने से रोकना होगा। लगाओ फॉर्मूला नंबर 804। ओके कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 804। मजा चकाता हूँ। नहीं सुपर स्पीडो, हमें छोटू मॉन्स्टर या मॉन्स्टर बर्ड को हर्ट नहीं करना है। करने की कोशिश करो। लगाओ फॉर्मूला नंबर 56। ऑलराइट कीको, अप्लाइंग फॉर्मूला 56। जाल में ये छोटू मॉन्स्टर फंस कर ही रहेगा। छोटू भैया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, डर भी लग रहा है। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब लो चखो मजा। सुपर स्पीडो, हमें टोनी को बचाना होगा। ओके कीको। वाह टोनी बॉस, आपको डर कर चिल्लाते हुए देखकर बड़ा मजा आ गया। सामने से गुजरी लॉरी है, रोल नंबर 420 सॉरी है। कीको, छोटू मॉन्स्टर तो चला गया। बहुत ज्यादा चला गया। ये श्रिंकिंग लेजर बीम है, इसके लगते ही छोटू और चिड़िया नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। मगर इन रेस को तुम कैसे शूट करोगे कीको? छोटू मॉन्स्टर और मॉन्स्टर चिड़िया तो भाग गए हैं। डोडो, छोटू मॉन्स्टर को सबसे ज्यादा मजा लोगों को डराने में आ रहा है। हो ना हो वो फिर से डराने की कोशिश जरूर करेगा, तब हम उस पर ये श्रिंकिंग गन की रेस शूट करेंगे। हाँ, R7 की डेंजर लाइट फिर से ब्लिंक कर रही है। क्या छोटू नाम का मॉन्स्टर शहर में सबको डरा रहा है? आज से मैं यहाँ रहूंगा। देखो बेटा छोटू, मेरा मतलब है मॉन्स्टर छोटू, तुम इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ मेयर रह सकता है, यानी कि मैं।
मेरे साइज के हिसाब से मुझे रहने के लिए सबसे बड़ा घर चाहिए और ये घर सबसे बड़ा है। मैं यही रहूंगा। जिद नहीं करती बेटा, मैंने कहा ना कि ये बंगला सन सिटी के मेयर के लिए है। अगर ऐसी बात है तो आज से सन सिटी का मेयर मैं हूँ। जिलेले जिलेले अगर आयो आयो जिलेले है तो तन तना तन 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 तारा का तारा कौन? सर पहली में कह रहे हैं हमारे रहते तो मेयर साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, मेयर को तो तुम लोग बचा लोगे मगर मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? मेरा मजाक बनाया, अब मैं लोगों का मजाक बनाऊंगा। मैं फिर से छोटा नहीं होना चाहता। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 71। ऑलराइट गीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 71। बहुत खतरनाक है। इस तरह तो ये छोटू मॉन्स्टर को या सनसिटी वालों को चोट लग सकती है, बहुत नुकसान होगा। सुपर स्पीडो लगाओ फॉर्मूला नंबर 43। अप्लाइंग फॉर्मूला 43। मोरी मोरी मदर, अब क्या होगा? उल्लू की उल्लू में बुल्लू की कुल्लू।
पहले में कह रहे हैं बचाओ 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 छोटू बहुत दूर है, इस श्रिंकिंग गन की रेज उतनी दूर नहीं जा सकती। अब वक्त आ गया है मेरी ओके का। I'm sorry, सभी से मैग्नीफाइंग रेस की वजह से मेरा गुस्सा भी मैग्नीफाई हो गया था और मैं सब पर अटैक करने लगा, मगर मुझे मेरी सीख मिल गई है। छोटा होने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, जैसे किको छोटा है मगर काम बड़े करता है, अब से मैं भी बड़े बड़े काम करूंगा किको और सुपर स्पीडो की तरह। और आज से कोई छोटू भैया का मजाक नहीं उड़ाएगा, कभी नहीं उड़ाएंगे। जरूरी नहीं कि हर इंसान परफेक्ट हो, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर रहती है, मगर उस कमी को ओवरकम करना ही सच्ची बहादुरी होती है। बिल्कुल ठीक।